तो भैया जी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके अमेजन पे बैलेंस में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, एंड आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो ना, या फिर UPI में लेना चाहते हो ना, तो कैसे ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक की बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेजन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली से अमेजन का एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एंड वहाँ पे जो आपका अमेजन वॉलेट है ना, उसको ओपन करना। जैसे आप उसको ओपन करोगे एंड स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको अमेजन पे बैलेंस दिख जाएगा कि कितना है। एंड थोड़ा नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप गोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोलेगा कि KYC करने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नेम और पैन कार्ड में जो DOB है ना, वो डाल देना। ये सब आप डाल दोगे ना, उसका सिंपली से करना क्या, सबमिट के ऊपर क्लिक करना। जैसे ये सब सबमिट कर लोगे, आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये KYC कंप्लीट होगा, एंड उसके बाद आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा बाय गोल्ड का और एक मिलेगा सेल गोल्ड का। तो सिंपली से आपको पहले करना क्या, बाय गोल्ड के ऊपर क्लिक करना। जैसे बाय गोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो सिंपली से आपके अमेजन पे बैलेंस में जितना पैसा पड़ा हुआ है ना, जैसे 2,000-3,000 है, तो सिंपली से उतना का आप गोल्ड बाय कीजिए, मतलब उससे उतना का सोना खरीद लीजिए। और जैसे ही वो सोना आप खरीद लोगे ना, तो आपका जो अमेजन पे बैलेंस है वो कट हो जाएगा, एंड आपके पास 2,000-3,000 जितना का अगर आप बाय करोगे, उतना का गोल्ड आ जाएगा। और सिंपली से आप करना क्या है, अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे बिटकॉइन को सब लोग होल्ड करके रखे ना, कि जैसे अभी सस्ते में खरीदे और जब बिटकॉइन का दाम इंक्रीज हो तब बेचेंगे, तो आप ठीक इसी तरह से गोल्ड को भी यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। जब गोल्ड का दाम बढ़े ना, तब चाहे तो इसे सेल कर सकते हो। एंड आपको इसे अभी जस्ट सेल करना है ना, तो सिंपली से सेल के ऊपर जाना है, एंड आपको जितना भी सेल करना हो सेल डाल दीजिएगा, और यहाँ पे 1-2% चार्ज कटेगा। वो चार्ज देने के बाद सिंपली से सेल के ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट या और UPI डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे वो डालोगे, सबमिट करोगे, आपका गोल्ड कट हो जाएगा एंड आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसा आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने अमेजन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।